यूपी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान सांसद आजम खान की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लखनऊ मेदांता के डॉक्टरों ने बताया कि आजम खान की तबीयत अभी क्रिटिकल है। इस खबर से आजम खान के समर्थकों में बेहद मायूसी है। आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सीतापुर जेल में दोनों की जांच कराई गई थी, जिसमें दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद दोनों को सीतापुर जेल से निकालकर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रही है। कुछ दिन पहले आजम खान की तबीयत में सुधार देखा गया था, जिसकी वजह से उनको आईसीयू वार्ड से निकालकर नॉर्मल वार्ड में भर्ती किया गया था और चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके कुछ दिनों बाद आजम खान के लंग्स में कैविटी पाई गई थी, जिसके तुरंत बाद उनको फिर से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब खबर आ रही है कि आजम खान की स्थिति बेहद नाजुक है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की तबीयत ठीक बताई जा रही है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।